कारें देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, उन्हें देखकर लगता है कि भविष्य में गाड़ियों के डिजाइन पूरी तरह से बदल जाएंगे। लेकिन कार निर्माता कंपनियां इस कॉन्सेप्ट कारों पर लाखों डॉलर क्यों खर्च करती है जब उन्हें ये पता होता है कि ये कारें कभी भी उत्पादन के लिए नहीं भेजी जाएंगी। उदाहरण के तौर पर कॉन्सेप्ट कार DSX E10 को ही ले लीजिए। इस कार को फ्रांस के लग्जरी कार निर्माता DS ने हाल ही में प्रस्तुत किया। कंपनी ने कहा कि ये कार साल 2035 में एक ड्रीम कार होगी। आधी खुली हुई छत, देखने में एक स्पोर्ट्स कार का डिजाइन और तमाम लग्जरी फीचर्स से लैस। इस कार को देखकर वाकई लगता है कि इसे किसी सुपर हीरो पर आधारित मैगजीन से निकाला गया। ऐसा नहीं है कि इस कंपनी ने इस कार का सिर्फ ढांचा तैयार किया है, कंपनी ने कार के भीतर भी पूरी मेहनत की है और इसमें कार चालक के लिए एक पर्सनल असिस्टेंट तक लगाया गया है। कंपनी का कहना है कि ये कार इसलिए तैयार की गई है ताकि लोगों को ये दिखाया जा सके कि वो भविष्य में कितनी ताकतवर कारें बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट कार के डिजाइनर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो कार में कुछ ऐसे बदलाव करें जिन्हें देखकर लोगों की आंखें चमक उठी। कई दशकों तक कार निर्माताओं में इस बात को लेकर होड़ रही कि कैसे पेट्रोल डीजल के बेहतर इंजन बनाए जाएं, लेकिन अब कंपनियों की नजर इलेक्ट्रिक इंजन पर है। कंपनियां सेल्फ ड्राइविंग कारों पर ध्यान दे रही हैं और जो कंपनियां इस काम में दो कदम आगे चल रही हैं वो अन्य कार निर्माताओं के लिए संभावित खतरा बनती जा रही हैं। जानकार मानते हैं कि जिस दिन कोई कंपनी एक सुरक्षित रोबोट कार की घोषणा कर देगी उसी दिन परंपरागत कार बाजार गिर जाएगा और कार बाजार एक नया रूप ले लेगा। न्यूज टाइम्स के लिए निखिल त्रिपाठी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।